आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों के बदलाव और श्रद्धा के बारे में पढ़ेंगे। फिर भक्ति सूफी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय महाद्वीप में परिवेश में धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित किया गया। इन इमारतों में विशेष धार्मिक विश्वासों, आचरणों का प्रतीक है और अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण एवं साहित्य परंपरा जैसे पुराणों के आधार भी पाए जाते हैं। साहित्यिक और दृष्टि से हमें अनेक ऐसे दस्तावेज अत्यंत धूमिल भी हैं। इतिहासकार संत कवियों, अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों के इस्तेमाल करते हुए जीवनियाँ अक्सर सत्य नहीं हैं, जिन्हें यह ज्ञात होता है कि अनुयायी पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि स्रोत क्रियाकलाप और विविध दृश्य योजनाओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना, आइए हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। फिर धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट। संभवतः इस काल में जो सबसे प्रभावी विशिष्टता यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में एक अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। जैसे पहले भी हमने देखा जो पढ़ रहे थे कि अभिलेख किस तरह के होते हैं, उसमें भी हमने देखा कि बहुत से देवी देवताओं और मूर्तिकला देखने को मिले हैं, जिसमें कि यह द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया गया। यह आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही है अपितु और अधिक विस्तृत भी हुई है, जिस तरह से जगह जगह मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे स्थापित होते चले जा रहे हैं। फिर पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार थी और दूसरा पौराणिक ग्रंथों के रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा किया गया। मतलब पहले जो है ब्राह्मण जो बताते हैं उसे हम मान लेते हैं, या फिर दूसरा जो पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सत्य है। वैदिक विद्या के विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे, और कुछ ऐसे थे कि जो प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों के सामाजिक वर्गों की आस्थाओं के आचरण में भी ब्राह्मणों के स्वीकृत किया जाना था। और साथ ही साथ समाजशास्त्रियों का भी मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां जो थी महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी जो है लघु परंपरा के बीच एक अविरल संवाद का परिणाम था। भेद और संघर्ष। देवी की आराधना पद्धति तांत्रिक नाम से जाना जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति महाद्वीप में कई भागों में प्रचलित था, अंतर स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। लेकिन इन सब पद्धति विचारों में शैव और बौद्ध दर्शन के जो प्रचलित किया गया था, खास तौर पर उपमहाद्वीप पूर्वी दक्षिणी भागों में आगामी जो थे वह शताब्दी के समस्त विश्वासों और आधारों पर वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ था। वैदिक और पौराणिक परंपरा की तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। जैसे हम देखें कि उस समय देवकुल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और मूर्तिकला में भी इनका निरूपण नहीं दिखता है। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव, देवी की झलक मिलती है, उसकी तुलना में विशद पौराणिक मिथकों में कदापि नहीं देखी जाती है। इस तरह से भेद भी है और दोनों में संघर्ष भी है। भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में हम रखकर देखना चाहेंगे कि 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की जो परिपाटी रही है वह भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों और इष्ट देव की आराधना के रूप में उपासकों का भेदभाव और तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। फिर उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति धारा। उस समय जो आराधना के तरीके जो थे, क्रमिक विकास जो दौरान बार बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में हुए जो आसपास के भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया था। इसमें जो संत होते थे वह एक भक्ति में बहते थे, जैसे ब्राह्मण है देवता के भक्तजन है। उसमें महत्वपूर्ण बिचौलिया भी बने जिन्हें परंपराओं स्त्रियों के निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया गया। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 प्रमुख भाग बांटते, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो मूर्त रूप की अवधारणा हुई और निर्गुण भक्ति परंपरा की अमूर्त निराधार की उपासना की जाती थी। उसी तरह से तमिलनाडु में अलवार और नैवार संत भी हुए जिन्होंने तन्मय होकर और नयना और शिव भक्त के नेतृत्व हुआ करते, मतलब इसमें भी विष्णु भक्त और शिव भक्त को इष्ट स्तुति भजन गाते थे। फिर जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार नैवार संत भी जो कि निम्न जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आवाज उठाई थी, और कुछ हद तक ये सत्य भी प्रतीत होता है क्योंकि भक्ति सत विविध समुदायों के जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ जातियों से आए हुए थे, जो कई तो ऐसे थे जिसे अस्पर्श भी माना जाता था। अलवर और नैवार संतों की रचना में वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है, उदाहरण स्वरूप अलवर संतों का मुख्य काव्य जो है नैलादिनम दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। फिर स्त्री भक्त भी हुए हैं जो कि संभवतः विशिष्टता में स्त्रियों की उपस्थिति भी थी,
उदाहरण अंडाल नामक नामक अलवर स्त्री ने भक्ति गीत व्यापक रूप से गाए थे जो आज भी गाए जाते हैं। यह कई बार ऐसे घोर तपस्या करते थे, उन्होंने उसका भी मार्ग अपनाया और साथ ही साथ सुरक्षित भी किया गया। स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया और वैकल्पिक व्यवस्था में भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता भी बनी। फिर राज्य के साथ संबंध। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं के मुख्य जो विषम वस्तु थे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति उनका विरोध भी था, विरोध का स्वर नैनावार संतों की रचनाओं के विशेष रूप से उभर कर सामने आया था। और इसके साथ साथ परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों को राजकीय अनुदान को देकर प्रतिस्पर्धा भी थी, जिसमें शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्तिधारा के समर्थन दिया और साथ ही साथ विष्णु और शिव भक्ति मंदिरों का भी निर्माण करने के लिए भूमि अनुदान में दिए गए थे। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव के देवी देवताओं की उपासना की जाती थी और मंदिरों का भी निर्माण किया जाता था, और यह सारी चीज़ें जो हैं शासकों की सहायता से ही किया जाता था। और कुछ इतिहासकार यह मत मानते हैं कि भारत की इस काल था मैंने कि राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, जिसमें राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और ऐहिक और अनुसारिक दोनों ही कार्य उस समय किए जाते थे। कर्नाटक की वीर सेवा परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन उद्भव हुआ, जिसमें नेतृत्व वाशवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जिसमें वाशवन्ना कालचुरी राजाओं के दरबार के मंत्री थे और अन्नाई वीरसेव या लिंगायत कहलाए। आज के लिंगायत समाज इस क्षेत्र का महत्व है, किसी की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक कट्टर पिटारे और एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। मृत्यु उपरांत भी शिव भक्त जो लीन हो जाएंगे या इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का भी पालन करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक वे दफनाते हैं। फिर दूसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। अब जिस तरह से उपमहाद्वीप में एक दूसरे के पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों पर भी इसे संपर्क शताब्दियों से बना रहा। इसी साथ साथ इसी समय मध्य एशिया के देश में उत्तर पश्चिम प्रांतों में से भी लोग आकर यहाँ बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम की उद्भव हुआ, जिससे संसार का हिस्सा बन गए और अक्सर इस्लामी विश्व भी कहा गया है। शासकों और शासितों में धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने के लिए एक धुरी यह थी कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। जैसे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया था और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। तुर्क अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और दक्कन में उन्हें सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। इसके साथ साथ इसी स्थिति में 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में ये उभर कर सामने आए और इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। फिर सैद्धांतिक रूप से मुसलमानों शासकों उलमा और कलिमा चलन में था, जो कि उलमा की उपेक्षा की जाती थी और शरिया का संबंध सुनिश्चित करवाए जाते थे। किसी भी महाद्वीप में स्थिति जटिल थी और बड़ी संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस तरह से कुछ लोग जो थे इस्लामी जो थे शासकों ने क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोगों को भी जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था और मुसलमानों द्वारा संरक्षण दिए जाने के ये अधिकारी हो जाते थे, और जो कर नहीं देते थे उन्हें दूसरे प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसमें हिंदुओं को भी शामिल किया गया, जैसा कि हिंदू भी जजिया कर दिया करते थे। लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए, शासक वर्ग तथा सीमित नहीं थे अभी तो पूरे उपमहाद्वीप दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदाय किसान शिल्पी योद्धा व्यापारी के बीच फैल गए थे। इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 बातें माननी आवश्यकता थी, जैसे अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात या जकात बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। फिर समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का धार्मिक समुदायों के निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु यह सच है कि इन शब्दों का बहुत समय यह कोई प्रचलन नहीं था। मतलब उस समय तक हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई शब्द उपलब्ध नहीं था। इसे मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों ने वर्गीकरण और जन्म स्थान के आधार पर ही, जिस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क्स कहा गया और तजकिस्तान आए ताजिक और फारस के लोग को पारसिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर तुर्क के अफगानों शक और यवन भी कहा गया। प्रवासी समुदायों के एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो बात को और इंगित करता है कि वर्ण जो नियमों का पालन नहीं करते।
और ऐसी भावनाएं बोलते थे जो संस्कृत नहीं उपजी थी, ऐसे शब्दहीन भावना निहित थी। मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था, हिंदू समुदाय विपक्ष में थे और अनेक तरह के इस्तेमाल किए जाता था जिसमें धार्मिक समुदाय एकत्र एकमात्र अर्थ सीमित नहीं किया गया। फिर सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशक्ति की वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे सूफी कहा जाने लगा था। और इस तरह से कई लोग धर्माचार्य के रूप में की गई कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार, बौद्धिक व्यवस्था, आलोचना, ये सारे आदेशों पर उनको बल दिया गया। और साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बनाते हुए बताते हुए उनके अनुसरण करने की सीख दी गई थी। फिर खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी में आते आते सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विकसित आंदोलन था जिसमें सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने संगठित समूह खानकाह पारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते। और इसमें खानकाह के रहने वाले बीच संबंध और सिख सामान्य बीच में रिश्तों की सीमा को भी नियत करते थे।